है लर्नर्स वेलकम टू दिस क्लास मेरा नाम समीर है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ क्लाट कैटेगरी में तो आज की क्लास हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल टेलीउट एन अकेडमी हम लोगों ने अन अकेडमी ने इस साल तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है बिफोर गाइंग गोइंग थ्रू द एन अकेडमी फॉर थ्री ईयर्स आई हैव अंडरस्टूड लाइक यू नो वी आर जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी मंथ एंड दिस मंथ वी हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ ऑल इंडिया रैंकर्स मतलब 2000 के अंडर अगर हमारे स्टूडेंट्स की रैंक देखी जाए तो इट वाज मोर देन 100 प्लस लाइक यू नो मतलब 100 प्लस कम बोल रहा हूँ वी वर मोर देन आई थिंक 200 200 तो हम लोगों ने इस बार गया है कि एन एल यू एडमिट्स इस बार हम लोग टारगेट कर रहे हैं हंड्रेड प्लस हम बोल रहे हैं यहाँ पे बट डेफिनेटली वी हैव क्रॉस दैट नंबर विद अ ह्यूज मार्जिन बिकॉज द वे आई हैव रिसीव मैसेजेस इन द पास्ट 50, 60 स्टूडेंट्स ने तो मुझे ही मैसेज कर दिया एंड देर आर सो मेनी एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म दैट हैव क्रैक लाइक इन जिनके स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा क्रैक किया हुआ है सो so, यू नो लाइक नो वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स आउट हेयर सो अभी हम लोगों ने इन्हीं के लिए रिवॉर्ड सिस्टम के लिए हम लोगों ने आप इसको स्कैन करके यहाँ पे जा सकते हो सो वी हैव क्रिएटेड अ रिवॉर्ड लाइक यू नो क्लास फॉर दैम तो आप बिल्कुल जाइए अगर आप भी टू थाउजेंड है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल से कोर्ट पर जाइए सो वी आर इन्वाइटिंग सा हिल एंड वी आर ऑल्सो इन्वाइटिंग गोमर एंड देर आर अदर स्टूडेंट्स एज वेल हु वुड भी लीड लाइक इन नो दिस क्लास वुड भी लेड बाइट डिव्यू सर सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड अंडरस्टैंड लाइक यू नो वॉट एक्जैक्टली दे हैव डन and how they cracked it so there would be a cash reward for them as well so you could be the next one too uh the news which we all knew like you know currently if if you go for the plus subscription for the 12 months uh it is it is like you know currently maybe like you know right now there is an offer for you get 20% off on all the like you know subscription if you use my code sam you have to use my code sam for that and there might be a hike in the future but not now we are very adamant about it right now there is no hike for it but if you want to buy the subscription go for right now because your paper would be on december and you get an extra time right now i understand like you know many of you might be preparing for the board examination or you would be just preparing for the internal examination and you are not clue like you're know, not मतलब सही में तुम्हें नहीं पता कि मैड यू शूड गो फॉर दिट और नॉट आई वुड रिकमेंड गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन राइट नाउ एक्सप्लोर द टाइम बिकॉज एट दिस टाइम इफ यू हैव अ क कलेरिटी अबाउट दिस सिलेबस इफ हैव नॉट दी रेगुलर क्लासेज बट यू कैन डेफिनेटली हैव अ क्लैरिटी अबाउट दिस सिलेबस यू कैन जॉइन द लेटर बैचेज एन गेट यूर सिलेबस कंप्लीटेड आई अंडरस्टैंड दैट देर वुड बी मेनी अर प्रायोरिटीज़ फॉर यू एंड राइट नाउ इन लाइफ बट दिस शुड ऑल्सो भी अ प्रायोरिटी इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इन टू अ लीगल कॉलेज इन द फ्यूचर सो दिस वर् दिन एन यू एडमिट्स विच आव यू मैंशन

यू कैन गो फॉर दिस वन लाइक आप देख ही सकते हो जनवरी ट्वेंटी सेवन से स्टार्ट होने वाले हैं फोर फिफ्टी प्लस आर टीचिंग होने वाली है जिसमें इंग्लिश विंग्लिश सब चीज़ें पढ़ाई जाने वाली है एंड देर आर सो मनी बैचज आप देख सकते हो जैसे टारगेट एन एल यू एस लीगल दी एल एल बी ड्रीम एंड आई एम वेरी शोर लाइक यू नो दिस बचेज विल हेल्प यू आउट टू क्रैक दट कॉम्पिटेटिव एग्जाम अब अब ये तुम्हारे लिए क्या क्या तुम्हें ऑफर्स दे देते हैं वी हैव द बेस्ट एजुकेटर्स डेली लाइव क्लासेस होती हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्विजेज होते हैं और ये सारी चीज़ें तो आपको मिलती है, मिलती हैं अगर बॉसा अगर आप आइकॉनिक ले लेते हो तो आपको वन टू वन मेंटरशिप भी मिल जाती है लाइव डाउट सॉल्विंग के लिए भी बिल्कुल से आपको अलाउ मिल जाता है वन टू वन में और रेज अ हैंड टू प्रायोरिटी इन द क्लास रहता ही रहता है अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आते हैं यू कैन कॉन्टेट दिस नंबर एंड एन अगैडमी विल लव टू हेल्प यू आउट सो बिफोर नाउ फर्द यू लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस क्लास बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास Let me tell you what all we offer to our students. This is the thing which we offer to our students. If you're looking for reading comprehension, verbal ability, we have all the courses for it. If you're looking for current affairs, as you can have attending this class, we would be giving you original questions and we would be obviously like, you know, keep you up to date with what is happening around the world other than that critical reasoning that's something the part of lr but i feel that 65% of the syllabus which we have to prepare for the english you need to have a very strong logical base so that's why i teach you all of these courses which you can like you know see on the screen so if you have any doubt what we are going to learn on this channel you can definitely be prepared that all these topics would be given and offered to you so let's get started today's topic is fluid boundaries ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र क्वाइट काफ़ी टाइम से चल रही है ये चीज़ तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर पता है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं या आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं है, मैचमेंट्रशिप चाहते हैं जो कि आपको एन अकेडमी मिल सकती है तो आप मुझे इस टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो लेट्स अंडरस्टैंड दी बेलगांव डिस्प्यूट सबसे पहले चीज़ यही देखते हैं कि बेलगांव डिस्प्यूट हो क्या रहा है इतने सारे जितने भी विलेजेस यहाँ पे थे इन लोगों ने क्या कर दिया था दे वांटेड कि जो भी हमारे मतलब कर्नाटका में जैसे महाराष्ट्र वाले जो स्पीकिंग वाले हमारे वो हैं स्टेट्स हैं मतलब सिटीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनको महाराष्ट्र का पार्ट बना दिया जाए तो तो दैट दैट समथिंग लाइक यू नो कि अब अब इतने डिसीजन वाइज हम लोग कर नहीं सकते हैं तो यही ये जो पार्ट का रेड रेड वाला डिस्प्यूट देख रहे हो एरिया यही एक एरिया है जो पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड है कि वो महाराष्ट्र में जाना चाहिए या कर्नाटका में जाना चाहिए एंड फॉर दैट यू कैन सी लाइक नो इन द पिक्चर कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ऐसा यहाँ पर मतलब आपके सामने आप देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा राइट्स मतलब राइट्स तो नहीं कहेंगे बट हाँ प्रोटेस्ट हो रही है तो बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी जान लेते हैं कि है क्या द टेरिटोरी डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स हैज़ कंटिन्यूड फॉर सिक्सटी केट मतलब सिक्सटी ईयर्स तक ऑलमोस्ट ये चल रहा है एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बेलागावी देन बेलगांव वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंसिव बॉम्बे स्टेट ठीक है इंक्लूडेड बोथ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ये दोनों जगह पे पार्ट माना जाता था द सिटी And the destructive division were widely called Belgaon by both. The name was officially changed in 2014 to Belagavi. Current dispute can be tracked back, like you know, traced back to states, Reorganization Act, that was 1956. The act redrew boundaries of Indian states. Okay. The MH claim, Maharashtra claims that the villages were the dominant language was Marathi. On which Maharashtra was formed, were handed over to Mysore state, where Kannada was dominating language. तो इनके बीच में यही हुआ था कि जो उस टाइम पे हम लोगों ने रेजोल्यूशन निकाला था कि यार ये देखो महाराष्ट्र में जो जो सिटीज़ में जहाँ जहाँ मराठी बोली जाती है उनको महाराष्ट्र कर दो तो। जहाँ जहाँ कन्नड़ा बोली जाती है उसको हम लोग मायसूरी इनको दे दिया गया तो वहाँ पर हम लोगों ने उस जगह पे महाराष्ट्र को कर दिया था ठीक है मायसूर वॉज रेम नेम टू कर्नाटका इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री तो हमारे पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के पार्ट में माना जाता था मगर वहाँ पे कन्नडा स्पीकिंग ज्यादा थी तो उसे आगे शिफ्ट कर दिया गया था तो इन नाइनटीन इट हैपे महाराष्ट्र चैलेंज द एक्सक्लूजन ऑफ बेही एज वेल एज हंड्रेड ऑफ विलेजेस इन सम अदर बॉर्डर एरियाज ऑफ कारवार एंड निपानी हाउ एवर कर्नाटका रिफ्यूज टू गिव अप एनी ऑफ दिस एरियाज एट महाराष्ट्र इंसिसटेंसिस यूनियन कॉन्स्टिट्यूटेड द महाराजन कमीशन इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स ओके दमीशन वॉज हैडेड बाय फॉर्मर सी जी आई ऑफ इंडिया मेहरचंद महाजन ओके यद कर लो रिकमेंडेड दैट बेलागावी शुड रिमेन इन कर्नाटका द बेलगाव विच वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्ड विद एडवर्स रिकमेंडेशन द महाराष्ट्र रिजेक्टेड द कमीशन रिपोर्ट एंड कंटिन्यू टू डिमांड बेलगावी इंटरग्रेशन अब थोड़ा सा इसको फिर से एक बार रिवाइज रिवाइज कर रिवाईस कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो दो स्टेट्स के बीच में है और ये कब से चल रहा है से चल रहा है एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस जब हम लोग की बात कर रहे हैं जो बेलगावी था बेलगांव जो हुआ वो अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसिव बॉम्बे ठीक है एंड ये क्या चीज थी कर्नाटका का भी पार्ट था और बॉम्बे का भी पार्ट हो रहा था अब ये था सिटी एंड द डिस्ट्रक्टिव डिविजन जो हम लोग जिसको कह रहे हैं उसको हम बेलगाव जो दोनों सिटीज़ में बिलोंग करता है मतलब दोनों स्टेट्स को बिलोंग करता है द नेम वॉज ऑफिशियली चेंज टू बेलगावी लाइक यू नो इन ट्वेंटी फोर्टीन ठीक है करंट डिस्प्यूट जो हम लोग अभी ट्रेस कर सकते हैं वो स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट की वजह से हो रहा है जो री एक्ट था कि एक्ट रीड्री बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स जिसमें आपने देखा होगा काफ़ी स्टेट्स एक्सपैंड हुई हैं बढ़ी हैं तो हमारा झारखंड छत्तीसगढ़ बहुत सारी चीज़ें हमारी भरी हैं वहाँ पर तो वो चीज़ की बात हो रही है तो महाराष्ट्र ने उस टाइम पर क्या, क्या क्लेम किया था कि सारे के सारे विलेजेस जो बॉर्डर पे थे जो कि महाराष्ट्र मतलब मराठी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र को बिलोंग करने चाहिए उसके बाद फिर जो मायसूरू स्टेट वाला जो चीज़ थी वहाँ पे कन्नडा स्पीकिंग थी तो इसलिए महाराष्ट्र उसे टेक नहीं कर पाया तो वो कर्नाटका को दे दिया गया मायसूरू वाज रीनेम्ड आफ्टर दिस 1973 के बाद उनको मायसूरू बोल दिया गया था फिर महाराष्ट्र चैलेंज द एक्सक्लूजन ऑफ बेलगावी उन्होंने बाहर भी जाकर जब बेलगाव उनको दे दिया था तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा विलेजेस जो थे वो अभी भी मतलब वहाँ पे वो बोलते हैं मराठी बोलते हैं तो एरिया ऑफ कारबार एंड निटा निपावी मतलब वहाँ पे आज भी मराठी बोली जाती है हाउ एवर कर्नाटका रिफ्यूज टू तो गिव अप ऑन एनी ऑफ इस एरिया ऑब्वियसली वो करेगा भी क्यों एट महाराष्ट्र इन सेंसिस यूनियन कॉन्स्टिट्यूट महाराजन कमीशन नाइनटीन ठीक है उसके बाद महाराष्ट्र ने इंसिस किया कि यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूटर होना चाहिए वो महाराजन का मिशन जो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में निकला था उसे करना चाहिए कमीशन जो थी उस टाइम पे वो एड की गई थी सी जी आई ऑफ इंडिया दैट वॉज महेहर चंद महाजन रिकमेंडेड बेलगावी शुड रिमेन इन कर्नाटका फेस्ड विद एडवर्स रिकमेंडेशन द महाराष्ट्र रिजेक्टेड दी कमीशन रिपोर्ट एंड कंटिन्यूर डिमांड फॉर वो जो भी हुआ उनके बाद में जाके उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं मानता हमें चाहिए तो चाहिए तब से वो प्रोटेस्ट चल रही है इट्स बीन मोर देन सिक्सटी ईयर्स तो अब हम लोग इस इस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं कि अभी एक्जैक्टली exactly इस आर्टिकल में क्या बोला गया होने क्योंकि क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं जैसे डिस्प्यूट का मीनिंग लिख रखा है ओवर का मीनिंग लिख रखा है क्लेम का मीनिंग लिख रखा है नॉइजी का मीनिंग लिख रखा है ठीक है इस इस चीज़ों को थोड़ा तो सा ध्यान देते रहना नहीं तो आपको आर्टिकल्स में प्रॉब्लम आएगी रिसेंट लीडिंग वायलेंस क्रॉस वर्ड्स पब्लिकली कैंपेनर्स मोर्जर अपर दी एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड कॉन्फ्रेंस अब अब आपने लोग देखा होगा कि मैंने वर्ड मीनिंग को अलग अलग कलर से लिख रखा है तो वर्ड मीनिंग हमारे पिंक कलर से हैं जिनके हम लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है ठीक है फ्रेज मीनिंग जो सेंटेंस में एक डायरेक्शन और ये सब का काम करते हैं और एम्फेसिस वाला जो काम करते हैं डायरेक्शन वाला जो इम्पोर्टेंट हमें सब्जेक्ट में हेल्प करते हैं वो देखिए आप वहाँ पर हमने डाल रखा है और इम्पॉर्टेंट नेम्स ये स्काई ब्लू कलर से आएगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड अब जो द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ओवर एरियाज दैट बोथ स्टेट क्लेम टू बी देयर हैज़ बिकम एंड नॉइजी दैट मेक्स इन वेरी लाउड एंड कन्फ्यूजिंग एंड इन रीसेंट वीक्स इवन द लीडिंग टू वायलेंस मतलब बढ़ाई हुई है इस बार कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमना है एंड महाराष्ट्र डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनवीस बोथ फ्रॉम द बीजेपी हैव क्रॉस्ड स्पॉर्ड्स पब्लिकली कैंपेनर फॉर द मर्जर ऑफ कर्नाटक मराठी स्पीकिंग एरियाज़ with maharashtra upped the ante this week by organising a conference in belgaum maharashtra Polish politicians wanted to attend it but were stopped by the police leading to the flare-up possibly as intended by the invites and organisers karnataka practiced since 2006 of holding the winter session of the assembly in belgaum it itself an assertion of its authority over the place Recently, Mr. Bommai reiterated Karnataka claim over 48 villages of Sangli in Maharashtra, drawing a sharp rebuttal. Sharp rebuttal, the speech act by refuting by offering the country contrary arguments. तो चलो थोड़ा समझते कि इसमें भी एकदम से हमने दो पेज पढ़ा किया। ये dispute जो हो रहा है, ये आपको पता ही है, जैसे हमने starting of the class में बता दिया, Karnataka in Maharashtra के over है area जो हम Belgaum की बात कर रहे हैं। एंड क्लेम टू भी क्योंकि वो चाहते वो वो तो भैया क्लेम हम ही कर रहे हैं ठीक है उसके बाद इतनी पटिशन साइंस हो गई इतने सी ची आई चीफ जस्टिस के पास भी चले गए मगर फिर भी सॉर्ट नहीं हुआ है और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा है बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रहा है क्यों क्योंकि भैया अभी ज़्यादा चीज़ें हलचल चल रही हैं कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर ने और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोथ फ्रॉम द बीजेपी एव क्रॉसड स्वर्ट्स पब्लिकली उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल से खड़ी खोटी सुनानी स्टार्ट कर दी है अब कैंपेनर्स जो थे जो मर्जर ऑफ़ कर्नाटक मराठा स्पीकिंग एरिया महाराष्ट्र अप दी एंड दिस वीक एंड वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस को बेलगांव में विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट लोगों को भड़काने के लिए ही हो रहा होगा महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस अटेंड इट वर स्टॉप बाय दुलिसबली एंड ऑर्गेनाइजर्स की जो प्रैक्टिस है सिंस टू थाउजेंड होल्डिंग द विंटर सेशन ऑफ द्लीट इट ओवर द प्लेस रिसेंटली मिस्टर बोमनाटका क्लेम ओवर फोर्टी एट विलेजेस ऑफ संगली इन महाराष्ट्र ड्रॉइंग शार्प रिब्यूटल मतलब कि एक स्पीच जो कि ऑफर कर रहा है बिल्कुल से अलग ही आर्ग्यूमेंट विद एक्सचेंजेस गेटिंग इंक्रीजिंगली प्रोवोकेटिव यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज टोल्ड द चीफ मिनिस्टर टू डायल डाउन द रॉटरिक एंड वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू एजूडिकेट द मैटर द कोर्ट इज सीज ऑफ द मैटर बट इट कैन ओनली डू सो मच एज दी अंडरलाइन फैक्टर दैट ऑरिजिनेटेड अलॉन्ग विद्टी सिक्स लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट आर नॉट ईजिली अमेंडेबल टू टेक्निकल एंड लीगल सोल्यूशन अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हुआ क्या विद एक्सचेंजेस गेटिंग इंक्रीजिंगली प्रोएक्टिव जिसका मतलब है कॉजिंग एंगर इन अनदर रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना यूनियन मिनिस्टर जो थे अमित शाह जी उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर्स को कि थोड़ा सा डायलॉन कर लो भैया थोड़े ठंडे हो जाओ ठीक है दी रटेक जो आप लोगों ने यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे मीनिंग दे भी दिया है दी रटरिक एंड वेट रोटरिक द आर्ट ऑफ एक्टिव एंड स्पीकिंग ऑफ राइटिंग इन्फ्लुंस करना रोटरिक एंड वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू एजुकेट दी मैटर मेकिंग अ फॉर्मल जजमेंट तो उससे पहले कुछ मत करो द कोर्ट इज सीज्ड ऑन द मैटर अब सीज का मतलब है कि उन्होंने एकदम से फोर्सिबली होल्ड कर दिया है बिल्कुल से ठीक है बट इट कैन ओनली डू सो मच एज द अंडरलाइंग फैक्टर दैट ऑरिजिनेटेड अमंग दिन फिफ्टी सिक्स लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट आर नॉट ईजीली अमेंडेबल टू टेक्निकल एंड लीगल See. तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ आ रही है लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लैंग्वेज और रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे इन विच समथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इंडियन स्टेट्स आर नॉट इजीली अमेंडेबल मतलब ओपन एंड रिस्पांसिव टू सजेशन नहीं है वो ऑब्वियसली टेक्निकल एंड लीगल सोलूशन एकदम से ऐसे नहीं दिए जा सकते लैंग्वेज के बेरियर में कार्विंग आउट पॉलिटिकल यूनिट मतलब उखाड़ा जाए बिल्कुल से अगर स्कल्पिंग आउट तो आउट पॉलिटिकल यूनिट दैट नीटली कॉरेस्पॉन्ड विद वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इज इम्पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस एज आ रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हर स्टेट पे कोई ना कोई है जैसे यहाँ पे उर्दू होगी कहीं हिंदी होगी कहीं इंग्लिश होगी है ना दैट आर अकॉर्डेड स्पेशल राइट्स उनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं अकॉर्डेड का मतलब दिया हुआ है, है यहाँ पे गिव और ग्रांड संबंध द महाराष्ट्र कर्नाटका रोफ फंडामेंटली अराइजेज आउट ऑफ लैक ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द रियलिटी इन फिफ्टीन फिफ्टी सेवन महाराष्ट्र क्लेम्ड एट हंड्रेड एंड फोर्टीन विलेजेस एंड दी थ्री अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ बेलगावी कारवार एंड निपनी इन कर्नाटका कर्नाटका नॉट ओनली रीबफ महाराष्ट्र क्लेम बट ऑल्सो बिगेन टू क्लेम एरियाज इन कोल्हापुर शोलापुर सांगली डिस्ट्रिक्ट एंड इन महाराष्ट्र तो अभी इसमें हम लोग थोड़े से टेक अवे लेते हैं तो अगर देखा जाए पॉलिटिकल यूनिट्स को अगर हम लोग बाहर लेके आया जाए दैट नीली कॉरस्पॉन्डिंग विद वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लाइंड हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड अकॉर्ड विद स्पेशल राइट्स द महाराष्ट्र कर्नाटका रो फंडामेंटली आउट ऑफ लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ द रियलिटी उनको रियालिटी चीज़ दिख नहीं रही है इन 1957 महाराष्ट्र क्लेम एड्रेड फोर्टीन विजेज द थ्री अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ बेलगावी कारवार एंड निपानी दैट क्रिएटेड दिस रीच कर्नाटका नॉट ओनली रिबर्फर्ड महाराष्ट्र क्लेम बट आल्सो बेगेन टू क्लेम एरियाज इन कोल्हापुर शोलापुर एंड संघली तो दोनों की गंदी गंदी लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई उन्होंने इनके एरिया को स्टार्ट कर दिया इन्होंने उनके एरिया को स्टार्ट कर दिया तो ये तो आगे डिस्प्यूट बढ़ता ही चला जा रहा है एल्सवेयर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना आर कॉट इन अ डिस्प्यूट अक्रॉस देयर बॉर्डर और ये क्या हुआ कि महाराष्ट्र जो था और जो तेलंगाना है वो भी आ गया है डिस्प्यूट में अ्रॉस बॉर्डर्स इन चंद्रपुर एंड असीफीफाबर मतलब साउथ में बहुत ही ज़्यादा हलचल चल रही है इस चीज़ों को लेकर रिस्पेक्टिवली रिपोर्ट्स ऑफ पॉपुलेशन वॉन्टिंग टू हैव देयर प्लेस शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर हैव इमर्ज इन रीसेंट वीक्स इन द नॉर्थ ईस्ट सम बाउंड्रीज डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट हैव कॉस्ट लाइव्स इस डिस्प्यूट के चक्कर में लोगों की डेथ भी बहुत हुई है इट इज़ वाइज टू डिफर टू द दर्द डिसीजन इन एनी डिस्प्यूट बट हारमनी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू एम्ब्रेसिंग एंड प्रमोटिंग अ पॉलिटिकल कल्चर

जस्ट अच्छा इसकी बस वो कर दूंगा काम चलो लेट्स तो चलो आगे बढ़ते हैं फ्लूड पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज क्राइस क्रॉस द लैंडस्केप ऑफ इंडिया इफ न्यू फायर्स आर लिड थ्रू डिवेसिव पॉलिटिक्स

इधर से उधर का मतलब बीच में कट कट कर रहे हैं कि नहीं यार स्टेट का बीच का पार्ट इधर जाना चाहिए तो ऐसे तो बहुत ही अजग मतलब बाउंड्री जो लाइन बनी हुई है जैसे स्टेट्स की वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी कि मतलब आप समझ रहे हो कि इधर का पार्ट इधर है बाउंड्रीज़ अलग बन रही है अलग स्टेट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा और वो डबल इंजन फेलियर हो जाएगा तो ये रीजंस क्या क्या है इसके चलो आओ थोड़ा सा समझते हैं इसके

but also begin to claim more areas of kolapur solapur Singli districts of maharashtra so chalo a practice question i i give you some seconds to solve it let's see if you can answer it or not what is the central idea of the given passage courts should intervene in the interstate disputes as soon as possible the pernicious effects of interstate disputes to the whole country linguistic minorities should be accorded special rights to solve interstate disputes both Karnataka and Maharashtra are not on good terms related to respective boundaries. That's me with my questions. So, what should be the answer? I hope you got the answer by now. And the answer is: it's B, central idea of the passage. <laughs> Let's go to the next one. Which of the following statement does the author most likely agree with? Technical and legal solution to interstate matter can be easily carved out if they wish to do so. Maharashtra politicians were not able to make their way to the Belcom. Mr. Bomnai reiterated Karnataka's claim over 48 villages in Maharashtra for the past few years. The author will not agree with all the given statements. What should be the answer? स्टॉप बाय पोलिस इट वॉज क्लियरली मैं इन दैसेज और बाकी सारे जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये उनको गलो विचो द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस डी मार्केटेड इन द गिंग पैसेज इसका आंसर है ऑल ऑफ कैन डी मार्केटेड अगर तुम्हें तो वकैबलरी की क्लास सही करनी है तो नाइन पी एम वाली क्लास पे आ सकते हो अन अकेडमी पे कैसे मैं ज्वाइन करना दिखा दूंगा वट इज ऑफ द गिवन पैसेज चलो टोन बेस्ट क्वेश्चन है ही होता आई थिंक द आंसर इज ए इट्स एनालिटिकल बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग आर लॉजिकल सिक्वेंसिस जैसे हम लोगों ने बताया कि लैंग्वेज को भी मतलब आर माइनर मायनोर्स जिनकी लैंग्वेज को है, है, हम लोग राइट दिए हुए हैं ऐसे लॉजिकली हम डिवीजन नहीं कर सकते थे वेरी वेरियस वेरीज दैट मेक्स इट एन एनालिटिकल वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर दैसेज टूजन सिक्स महाराष्ट्र फॉलोज प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग विंटर सेशन ऑफ असेंबली इन बेलगाम बेलगांवी नाइन फिफ्टी सेवन महाराष्ट्र थ्री रूरल सेटलमेंट कर्नाटका हारमोनी बिटवीन स्टेट्स कैन ओनली बी अचीव थ्रू वेलकमिंग एंड प्रोमोटिंग पॉलिटिकल कल्चर फर्नांडेस बिलोंग्स तू बीजेपी पार्टी बताओ इसका आंसर क्या हम लेट्स सी इसका आंसर होना चाहिए

इंडर्ज इ माई क्लासेज एंड यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद मी यू कैन डेफिनेटली कम टू माई प्लेटफॉर्म लाइक आपन अकेडमी में जाइए मेरा नाम डालिए you will receive all the classes be it cat, clat और कैंपस प्लेसमेंट एंड फ्री क्लासेज मैं यहाँ पे ही हूँ जैसे आप देख रहे होंगे अगर मैं आपको स्क्रीन शो में अगर सी ऑल करके भी दिखाऊँ तो हॉल ये टू डू इज इट्स अ फ्री क्लासेस जस्ट लाइक अकेडमी है यूट्यूब पे जैसे अभी आप देख रहे हो ऐसी वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी सो सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक यू नो आप इसमें जा सकते हो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अभी रिसेंटली जो जो क्लासेस की हुई हैं ये आपको दिख रही हैं एंड आर मोर ये अभी लोडिंग हो रहा है तो जैसे मैं हिराफेरी वर्जन पे नेश नोशन पे जैसे आप देख रहे हो कि नोशन भी यहाँ पे खुला हुआ है तो मैं सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल से प्रैक्टिस करता रहता तो आपके लिए ये सब क्लासेस कराता रहता हूँ तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू आर ऑल वेलकम एंड सच वीडियोज़ के लिए लाइक फॉलो एंड जरूर अपने दोस्तों से शेयर करना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ गुड डे